हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 53, जहां पर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है और इसमें सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पहले भी कभी पढ़ चुके हैं, जहां पर एक्टिव में इसकी पहचान क्या होती थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर वर्ब के साथ आ की मात्रा जुड़ के आए और है अलग से लिख के आए, यानी आ है, ई है और ए है। इस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस था, उसकी दो पहचान होगी। अब आपको माइंड ये करना है कि सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज़ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होगी, और लास्ट में हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट रखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस की जा रही है, तो यहाँ पर भी हमारी दो पहचान होने वाली है। एक तो क्या हो जाएगी, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, और दूसरी क्या हो जाएगी, गया है, गई है, गए हैं, जहाँ पर दोनों ही पहचान वर्ब के बाद में अलग से लिख कर आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, पापा के द्वारा मुझे सजा दी जा चुकी है, मेरे द्वारा नया मोबाइल खरीदा गया है, मम्मी के द्वारा ताज़ा भोजन बनाया गया है। तो आपने माइंड किया, जा चुका है या फिर गया है, दोनों ही वर्ब के बाद में लिख कर आएगा। अब फ्रेंड्स, बात अगर स्ट्रक्चर की जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज़ बीन या फिर हैव बीन। और आपको माइंड ये भी करना होगा कि सेंटेंस का जो ये पार्ट है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ये फिक्स रहेगा, ये पूरे के पूरे छह स्ट्रक्चर में ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है, तो आपको हैज़ हैव के ठीक बाद क्या लगाना होगा, नॉट, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आप हैज़ हैव को पहले रखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता कि मम्मी ने मुझे सजा दी है, तो ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, एक्टिव का हो गया, क्योंकि आ है, ई है, ए है, ये होती है हमारी क्या, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। आपको माइंड ये भी करना है कि काम का पूरा हो जाना परफेक्ट कहलाता है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है कि मम्मी ने मुझे सजा दी है, और ये सेंटेंस हमारा हो गया एक्टिव का। तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन हो गया, मम्मी, तो आप यहाँ पर मम्मी को ऐड कर दीजिए। अब मम्मी के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाई जाएगी, हैज़। फिर हमें रखनी है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश का मतलब होता है क्या, सजा देना, PUNISH, AD को और ऐड कर दीजिए, तो बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस क्या बनेगा, मम्मी हैज़ पनिश्ड मुझे, के लिए यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, मी। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मम्मी हैज़ पनिश्ड मी, मम्मी ने मुझे सजा दी है। अब फ्रेंड्स, अगर इसी को हम पैसिव करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, मम्मी के द्वारा मुझे सजा दी गई है। अब ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया, पैसिव का हो गया। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव का है, तो इसको पैसिव से बनाइए, और सबसे पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो वर्ब थी वो क्या थी, सजा देना, और क्वेश्चन पूछा गया किससे सजा दी गई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मुझे, और इस मुझे के लिए मुझे क्या रखना होगा, आई, और आई के साथ हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी। बीन कॉमन है, चाहे हमें हैज रखना था या फिर हैव, दोनों के साथ हमें बीन तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है, तो हमें क्या रखना होगा, पनिश्ड, और इसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, बाय के बाद फिर से यहाँ पर मम्मी को ऐड कर दीजिए। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है कि आई हैव बीन पनिश्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा मुझे सजा दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस में मैं इस हैव को पहले रख दूं और मैं आपसे कहूं कि हैव आई बीन पनिश्ड बाय मम्मी, तो हिंदी क्या निकलेगी, क्या मम्मी के द्वारा मुझे सजा दी गई है, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसी को अगर मुझे फिर से एक्टिव करना होता, तो मैं आपसे क्या बोलता कि क्या मम्मी ने मुझे सजा दी है। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया है, तो हमें फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर इस हैज़ को उठाकर मम्मी के पहले लिख देना है, और सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ मम्मी पनिश्ड मी, क्या मम्मी ने मुझे सजा दी है। और फ्रेंड्स, अगर इस हैज़ के पहले मैं यहाँ पर वाई को जोड़ दूँ और मैं आपसे कहूँ कि वाई हैज़ मम्मी पनिश्ड मी, तो हिंदी क्या निकलेगी कि मम्मी ने मुझे सजा क्यों दी है, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, WH का हो गया।
अब अगर इसको मुझे पैसिव करना होता तो मैं आपसे क्या बोलता कि मम्मी के द्वारा मुझे सजा क्यों दी गई है। कुछ नहीं करना है आपको, इस हैव के पहले आपको क्या ऐड कर देना होगा, वाई को ऐड कर देना होगा, बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि वाई हैव आई बीन पनिश्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा मुझे सजा क्यों दी गई है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस की, तो आपको प्रीवियस लेसन की तरह एक ट्रांसलेशन ले लेना है, वो या तो एक्टिव का होगा या फिर पैसिव का। अगर वो एक्टिव है तो उसे पैसिव कर लीजिए, और अगर वो पैसिव है तो उसे एक्टिव कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से। अगर मैंने आपसे कहा होता कि सी हैज़ इंसल्टेड मी, तो हिंदी क्या होगी, उसने मेरा अपमान किया है, एंड आई हैव बीन इंसल्टेड बाय हर, उसके द्वारा मेरा अपमान किया गया है। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय मम्मी, मम्मी के द्वारा भोजन बनाया गया है, एंड मम्मी हैज़ कुक्ड फूड, मम्मी ने भोजन बनाया है। आई हैव रिपेयर्ड योर कंप्यूटर, मैंने आपका कंप्यूटर सुधारा है, एंड योर कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय मी, आपका कंप्यूटर मेरे द्वारा सुधारा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।